व्हाइट और चमकदार दांत आपके पर्सनैलिटी में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। वहीं पे अगर आपके दांत पीले हैं, गंदे हैं, या फिर आपके मुंह से बदबू आ रहा है, या फिर आपके गम से ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये चीज आपके पर्सनैलिटी को बिगाड़ देते हैं। अगर आपका दांत सफेद चमकदार है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता है। वहीं पे अगर आपके दांत पीले हैं, गंदे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो हो जाता है, काफी डिक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग अपने दांतों को काफी दिनों तक सफाई नहीं किए या फिर खैनी, गुटखा, तंबाकू ये सब खाते रहे तो इससे क्या होता है, आपका दांत पीला होने लगेगा, गंदा होने लगेगा या फिर अनहेल्दी होने लगेगा, जिसे ठीक करना नॉर्मल टूथपेस्ट का काम नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुमार शाह, मैं एक पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ। बीते हुए 8 वर्ष से मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका दांत कितना भी पीला हो, कितना भी गंदे हो, कितना भी अनहेल्दी हो, उसे आप घर पे ही इलाज कर सकते हो सिर्फ एक पेस्ट के माध्यम से। और वो पेस्ट कैसे बनाना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वो पेस्ट को आप कैसे बना सकते हो और अपने गंदे दांत को, अपने पीले दांत को सफेद और चमकदार बना सकते हो कुछ ही दिनों में और कुछ ही हफ्तों में, जिससे कि आप अपने माउथ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको पहले लेना होगा थोड़ा सा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप जो भी यूज करते हो वो आप ले सकते हो। यहां पर मैं इतना टूथपेस्ट ले लेता हूं कि जितना मैं रोज यूज करता हूं। इसके बाद आपको लेना होगा थोड़ा सा नमक, इसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इसके बाद आपको लेनी होगी थोड़ी सी कॉफी, ज्यादा नहीं लेंगे यहां पर, थोड़ी सी ही कॉफी लेंगे। इसके बाद यहां पर डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, यहां पर मैं नींबू का रस इसमें डाल लेता हूं। इसके बाद इन 5 चीजों को मिला करके आपको एक पेस्ट बना लेना है। जब अच्छी तरह से मिला करके ये पेस्ट तैयार हो जाए तो आपको इस पेस्ट को महीने में 4 से 5 बार यूज करना है। आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हो। इसको लगाने का तरीका यह है कि इसे आपको उंगली पर लेना है और जैसे कि पेस्ट उंगली में लेकर के दांतों पर लगाते हैं, ठीक वैसे ही आपको इसको लगाना है। आप इसको दांतों के अंदर और बाहर दोनों तरफ से लगाएंगे, इससे आपके दांत व्हाइट और चमकदार हो जाएंगे। इसे आपको ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि इससे मसूड़े छिलने का डर बना रहता है, इसीलिए आपको महीने में सिर्फ 5 से 6 बार ही यूज करना है। शुरू में आप 1 हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हो और उसके बाद आपको 1 हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार यूज करना है। अगर आपके दांत पीले, गंदे या फिर आपके सांस से बदबू दे रही है या फिर आपके गम से ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस पेस्ट को कम से कम 1 बार यूज जरूर करें। और यूज करने के बाद आपको क्या रिजल्ट शो होता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।